गुरबाणी दिया वीडियोस देखने लिए साडे चैनल नु सब्सक्राइब करो ते आइकन बेल दा बटन भी जरूर दबाओ जी। साध संगत जी, आज असि तुहाडे नाल एक ऐसी घटना सांझी करन जा रहे हां जिस नु सुन के तुहाडियां अखां खुलियां दी खुलियां ही रह जाणगियां। ते सच्चाई जानन तो बाद एक चमत्कार दा खुलासा भी होया जिस तो कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकदा, क्योंकि इस करिश्मे दे पिछे शक दी कोई वजह बची ही नहीं सी। तन श्री गुरु रामदास जी दे घर दी महिमा सब नू पता है। वड्डे तो वड्डा सर भी इत्थे इस दर ते आके चुक जांदा है, बस विश्वास ते श्रद्धा दी गल है। बिना विश्वास दे इत्थे कुछ भी नहीं हो सकदा। अज दी जो घटना असी तुहानू दसन जा रहे हां ओ भी इस दे नाल ही संबंधित है। ते जेकर तुसी मेरे चैनल ते नवे आए हो तो हाथ जोड़ के बेनती है कि चैनल नू सब्सक्राइब करो जी। सरदार दविंदर सिंह अमृतसर स्टेशन तो गुजरात जा रहे सन। ओ अपने दोस्तां दे नाल इस ट्रेन ते बैठे सन। सरदार दविंदर सिंह जदों अपनी सीट ते आके बैठे अपने दोस्तां दे नाल तां उन्हां ने देखिया कि उन्हां दी सीट दे सामने एक मुसलमान परिवार पहले ही बैठा होया सी। ओ मुसलमान परिवार विच मियां बीबी ते उन्हां दा एक 8 साल दा बच्चा सी जो कि उस वेले सुत्ता होया सी। ते ओ परिवार ने भी इसी ट्रेन दे विच सफर करना सी। एदे विच कोई हैरानी वाली गल नहीं है, पर कुछ समय बाद एक ऐसी हैरानी वाली घटना वापरी। दविंदर सिंह ते उदे साथियां ने एक अजिहा उत्थे करिश्मा देखिया जिस नु देख के उन्हां कोल रेहा नहीं गया। उन्हां ने देखिया कि उस मुसलमान वीर ने सीट दे उत्ते वधिया वधिया चादरां विछा के ते कपड़ियां दे नाल उन्हूं थोड़ा उच्चा कीता होया सी ते उदे उत्ते एक सुंदर घड़ा रखिया होया सी ते उसनूं भी बड़े ही सुंदर कपड़ियां नाल लपेटिया होया सी। ओ सारी फैमिली नीचे बैठी हुई सी ते उस घड़े नूं सीट दे उपर बड़े ही सत्कार नाल उपर रखिया होया सी। सरदार दविंदर सिंह ते उदे साथी ऐ देख के बड़े हैरान हो रहे सन ते सोच रहे सन कि इस मुसलमान वीर ने इस घड़े विच पता नहीं की पाया होया है जो उसका इन्ना सत्कार कर रहा है। आखिरकार दविंदर सिंह कोलो रिया नहीं गया ते उसने मुसलमान वीर नु पूछया कि तुसी इस घड़े विच की पाया होया है, आखिर इस घड़े विच की है जो तुसी उसनु इन्ना सत्कार दे रहे हो। मुसलमान वीर ने जवाब दिता, सरदार जी असी इस घड़े विच आबे हयात लेके जा रहे हां। सरदार दविंदर सिंह ते उदे साथियां ने आबे हयात दा नाम सुन के बड़े ही हैरान ते परेशान हो गए। ओ सोचन लगे कि आबे हयात की है ते उन्होंने मुसलमान वीर नु पूछ ही लिया कि इस आबे हयात दा मतलब की है। ता मुसलमान ने जवाब दिता कि इस घड़े विच जीवन देने वाला अमृत है। सरदार दविंदर सिंह ते उदे साथी मन ही मन विच मुस्कुरान लगे ऐ सुन के ते सोचन लगे कि एनु कित्थों मिल गया ऐ अमृत। सरदार दविंदर सिंह ने उस मुसलमान वीर नु बड़े ही मजाक नाल पुछया कि ऐ पाकिस्तान तो किदे केड़े धाम तो लेके आए हो, ऐ आबे हयात ऐ तुहानू कित्थों मिल गया। मुसलमान वीर ने जो जवाब दिता उस जवाब नु सुन के सरदार दविंदर सिंह ते उदे साथियां दियां अखां ते कन्न फटे रह गए। मुसलमान ने दसिया कि मैं ऐ आबे हयात जीवन दान देन वाला अमृत तन श्री गुरु रामदास जी दे पवित्र स्थान हरमिंदर साहिब तो लेके आया हां। ऐ सुन के सरदार दविंदर सिंह ते उदे साथी एकदम चुप कर गए ते उन्होंने मुसलमान वीर नु पूछया कि तुहानू किवें पता चलिया कि तन गुरु रामदास जी दे घर दा जिहड़ा ऐ पवित्र जल है ओ आबे हयात है, ओ जीवन दान देन वाला अमृत है। ते उस मुसलमान ने दसिया कि मैं गुजरात दा रहने वाला हां, मेरा ऐ पुत्र 8 सालां दा जो है शुरू तो बचपन तो ही इसनु एक बीमारी सी कि इसनु सा बड़ा ही औखा आंदा सी। जदों भी थोड़े दिनां विच इसनु दा सा रुक जांदा सी ते असी बड़े परेशान हो जांदे सी। डॉक्टर कोलों बड़ा इलाज कराया, डॉक्टर ने कहा कि एदा इलाज
जिंदगी भर चलेगा इसनू ए दवाइयां खिलानियां पैन गईयां, नहीं तां तुहाडे बच्चे दी कदी भी मौत हो सकती है। कहंदे कि असी अपने बच्चे दा दुख देख नहीं पांदे सी, हर पासे हर हकीम जिस किसी ने जो भी दस्या असी सब करवाया, लेकिन साडे बच्चे नू कोई फर्क नहीं आया। ते एक दिन साडे उधर गुजरात विच एक गुरुद्वारे दे ग्रंथी ने सानू इधर धन गुरु रामदास जी दे पवित्र स्थान अमृतसर हरिमंदर साहब आन वास्ते किया। उन्होंने कहा कि तुसी उधर जाओ, तुहाडे बच्चे नू जरूर आराम आएगा। ते इस करके असी हरिमंदर साहब आए, इत्थे आके असी अपने बच्चे नू सरोवर विच स्नान कराया ते जल अपने बच्चे नू छकाया। असी देखिया कि साडे बच्चे विच आराम आ रहा है ते असी तीन चार दिन इत्थे ही रहण दा सोचिया। रोज असी इत्थे कहिंदे लंगर भी छक रहे सी ते अपने बच्चे नू स्नान करा के जल भी रोज थोड़ा थोड़ा जल छका रहे सी। ते इत्थे ऐ इक चमत्कार होया कि साडे बच्चे दा जिन्हों असी 8 सालां तो दुखी ही देखदे आ रहे सी, जो कि रोंदा ही रहिंदा सी क्योंकि उहदा साह रुक जांदा सी, ते असी देखिया कि इधर हरिमंदर साहिब जदों दे असी आए तां इक वारी भी साडे बच्चे नू साह दी परेशानी नहीं आई ते ना ही सानू अपने बच्चे नू कोई भी दवाई देण दी जरूरत पई। इस करके सानू हुण ए पूरा विश्वास हो गया कि ए जो सरोवर दा जल है ए साडे वास्ते आपे हयात ही है, ए जीवन दान देण वाला अमृत है। नाले उसने दसिया कि मैं इस घड़े विच जल लेके जा रहा हां ताकि जिथे मैं जा रहा हां उत्थे रहण वाले किसी नूं भी कोई दुख तकलीफ होएगी तां मैं उन्हूं दसांगा कि ए आबे हयात ए जल छको तुहाडी हर तकलीफ दूर हो जाएगी, ए गुरु रामदास जी दे घर दा पवित्र जल है। ते ऐसी साडी अज दी वीडियो सात संगत जी, जे वीडियो चंगी लगी ते लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कमेंट विच धन गुरु रामदास जी लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाना जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।